गाइस एमसीयू के सबसे फेवरेट कैरेक्टर लौकी, वही लौकी जिसके सर पर सींग लगे होते हैं और उसे सींग वाला देवता कहा जाता है। इसी लौकी की 2 साल पहले एक टीवी सीरीज आई थी जो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हिट हुई थी। अब इस सीरीज का सीजन 2 आ रहा है। इन्फिनिटी वॉर में मरने एंड गेम में अल्टरनेट टाइम से भागने के बाद लौकी की एक अलग ही कहानी शुरू हुई थी जिसे मार्वल स्टूडियो ने लौकी नाम से प्रेजेंट किया था और इस कहानी का अंत होना अभी बाकी है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि मार्वल की किसी भी कहानी का कभी अंत ही नहीं होता, इसके लिए सॉरी। टाइम ट्रेवल्स और मल्टीवर्स पर बेस्ड इस सीरीज की कहानी ने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया है और अब इसका सीजन 2 आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इतना तो पता चल ही गया ट्रेलर को देखने पर। आज के इस वीडियो में मैं लोकी सीजन 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा, तो बने रहो इस वीडियो में अंत तक। और मार्वल स्टूडियो का सिस्टम हैंग करना है तो इस वीडियो को जमकर लाइक करो, एक कमेंट करो लोकी सीजन 2 के ट्रेलर के लिए। सीजन 2 के ट्रेलर की बात करने से पहले हम रिकैप कर लेते हैं सीजन 1 का। लोकी सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था कि लोकी और उसके वॉरियंट सिल्वी को टीवी यानी कि टाइम वेरिएंसी अथॉरिटी वालों ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ये दोनों टीवी के खिलाफ हो गए थे और दोनों साथ मिलकर टीवी का टाइम टाइम फिक्स करना चाहते थे और इसी काम को पूरा करने में उनकी मुलाकात होती है ही हू रिमेंस, जो कि कैंग का एक वेरिएंट था और इसने पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में करके रखा था ताकि उसके बुरे वेरिएंट ब्रह्मांड में तबाही न मचा सके। लेकिन सिल्वी ही हू रिमेंस को मार देती जिससे कि पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने लगता है और सभी बुरे कैंग आजाद हो जाते हैं और उसमें से एक कैंग टीवीए पर कब्जा कर लेता है, जिस कारण टीवीए का पूरा इतिहास और भूगोल ही बदलने लगता है, जिस कारण टीवीए के लोग लोकी को भूल जाते हैं। अब इतना रिकैप आप लोगों को जगाने के लिए काफी है। अब अगर इसके सीजन 2 की बात करें तो सबसे पहले अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करो यार, मार्वल स्टूडियो का सिस्टम हैंग करना है अपन लोग को। अब बात कर लेते हैं सीजन 2 की ट्रेलर की। स्टार्टिंग में लोकी और मोबियस किसी ऑफिस के अंदर घुसते हैं और ऑफिस को देखने पर ऐसा लगता है कि ये टीवीए ही है। अब यहाँ पर लोकी टीवीए के सीनियर ऑफिसर मोबियस को कैंग और उसके वारंट के बारे में सब कुछ बताएगा और ऐसा ही हम ट्रेलर के अंदर भी देख सकते हैं, जहाँ पर लोकी टाइम कीपर की फोटो को हटाता है और उसके पीछे से कैंग का एक स्टेचू निकलता हुआ दिखाई देता है। इस ट्रेलर को देखने पर ये तो पता चलता है कि लोकी मोबियस को कैंग के बारे में सब कुछ बता रहा है और ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि लोकी के साथ एक प्रॉब्लम हो रही टाइम स्लीपिंग की, या तो लोकी के साथ एक प्रॉब्लम हो रही या लोकी ऐसा खुद ही कर रहा है, ये तो सीजन 2 को देखने पर ही पता चलेगा। या तो फिर शायद इसका कारण ये हो सकता है कि सिल्वी के हाथों हीओ रिमेंस का मरना और सीग्रेट टाइमलाइन का बिगड़ना, इसीलिए सिल्वी के साथ भी टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है। और इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिलता है कि टीवीए डिस्ट्रॉय होने लगा है और शायद लोकी और सिल्वी इसे मिलकर रोकने की कोशिश करेंगे। ट्रेलर के एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि मोबियस अपना स्पेस सूट पहनकर किसी मिशन पर जा रहा है, शायद मोबियस टाइमलाइन को ठीक करने के लिए जा रहा है, या फिर ये हो सकता है कि सीजन 2 के अंदर लोकी और मोबियस दोनों मिलकर एक ऐसी टाइमलाइन बनाएंगे जिसमें शायद कैंग का अस्तित्व ही ना हो। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के मेन विलन की, जो कि कैंग का ही एक वेरिएंट है जिसका नाम है विक्टर टाइमली, जिसे हम लोगों ने पहली बार एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इस वीडियो में मैं विक्टर टाइमली के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करना चाहता हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे विक्टर टाइमली के बारे में जानने के लिए तो मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा कि विक्टर टाइमली है कौन। अब आज का वीडियो बस यहीं तक था, सीजन 2 में क्या होगा या क्या होने वाला है ये तो 6 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई सस्ती मद्दी वाली अपडेट के साथ। हाँ, मार्वल स्टूडियो का सिस्टम हैंग करना है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।